ये देखो, हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। हमको इसमें से बताना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का कौन सा मेथड नहीं है। ये क्वेश्चन फिलहाल अभी पहले म्यूट मोड पे चला गया था, बट इट्स ओके, हम सीधा इसका आंसर बता रहे हैं। ये हमारा प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का हमारा मेथड नहीं है, ठीक है। ये वाला कौन सा? इकोनॉमिक सर्वे पब्लिकेशन, क्योंकि हमारा सेकेंडरी मेथड है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन है। बट ये वाले जो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, शेड्यूल्ड है, यूनिटरी मेथड है, मेलिंग मेथड है, कॉशनरी मेथड है, ये हमारे डायरेक्ट मेथड के अंदर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट डेटा हिमसेल्फ और थ्रू ही एजेंट। एक बंदा है, उसने अपना खुद या अपने अभिकर्त इन्वेस्टिगेटर्स की हेल्प से, एजेंट की हेल्प से या कॉन्ट्रैक्टर की हेल्प से डेटा कलेक्ट किया है। एंड द सेम डेटा हैज बीन कलेक्टेड बाय स्टूडेंट यूनियन एंड द इन्वेस्टिगेटर ऑब्टेन द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट यूनियन ऑफिसर। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने डेटा किसी और से मान लो उठा लिया है, तो इस डेटा को हम रिस्पेक्टिवली क्या क्या कह सकते हैं, ठीक है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जब हम डेटा खुद कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्शन, और जब वो डेटा हम किसी का यूज किया हुआ उठा लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। तो डेफिनेटली हमारे अंदर आंसर जो आएगा, तो स्टार्टिंग में जो डेटा कलेक्ट हुआ है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी, और जो किसी और ने किसी और का डेटा उठाया है उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी डेटा। हमारा आंसर उसके अकॉर्डिंग हमारा ए बनने वाला है, तो आप चेक करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्री टेस्टिंग क्वेश्चनरीज इज एसोसिएटेड विद। प्रश्नावली का पूर्व परीक्षण किससे संबंधित होता है? चेकिंग द क्वेश्चन मिनटली बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, या खुद चेक करता है, या डाक द्वारा भेजने से पहले किसी समूह से प्रश्न पूछने से है इसका मतलब, या किसी विभागीय परीक्षा देने वाले अधीनस्थ स्टाफ के साथ चर्चा के लिए है, या इसका मतलब ये है टेस्टिंग या क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एडवांस टेक्निकल टूल्स, या ऑब्जर्विंग द इन्वेस्टिगेशन रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड बाय द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर द डिस्पैचिंग द क्वेश्चन टू द रिस्पोंडेंट्स। क्या मतलब है इसका? जब भी हम क्वेश्चन भेजने से पहले उसकी टेस्टिंग करते हैं तो इसका रियलिटी में एग्जैक्ट में मीनिंग क्या होता है? आस्किंग क्वेश्चन विद ए ग्रुप बिफोर मेलिंग आउट। मेल करने से पहले हम कुछ लोगों से क्वेश्चन वो पूछ कर ना, ग्रुप के लोगों से पूछ कर एक टेस्टिंग कर लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन हम भेजने जा रहे हैं वो करेक्ट होगा या भी या नहीं। आगे देखते हैं क्या है। टूल्स फॉर कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इज आर। प्राथमिक समंकों को संकलित करने के उपकरण कौन से है? इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, क्वेश्चनिंग मेथड, या ऑल ऑफ द करेक्ट। ये सारे के सारे हैं, ठीक है। प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के सारे मेथड आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव। सैंपल रियलिटी में रिप्रेजेंटेटिव किसका होता है? यूनिवर्स का होता है। मान लो ये पूरा का पूरा यूनिवर्स है, मैंने इसमें से इतना सा सैंपल उठा लिया, तो सैंपल क्या करता है? पूरे के पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली सैंपल इज द रिप्रेजेंटेटिव और द यूनिवर्स, समग्र को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, रैंडम सैंपलिंग इज नोन एज। रैंडम सैंपलिंग को हम कौन सी सैंपलिंग कहते हैं? क्लस्टर, सेंसिस सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, या डेलिबरेट सैंपलिंग। हालांकि यहाँ पर सैंपलिंग है, कुछ मेथड्स के नेम दिए हुए हैं, अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ। ये मैं आपको पहले भी वैसे एक्सप्लेन कर चुका था, अदरवाइज मेरे चैनल पर जाओगे, कॉमर्स क्लासेस गौरव मिगलानी के नेम से चैनल है, तो वहां पर आपको स्टैट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पर मैंने आपको सारी सैंपलिंग के मेथड्स के नेम एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो वहां पे देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ये है कि जो रैंडम सैंपलिंग है इसको हम किस नेम से भी जानते हैं, तो डेफिनेटली ये हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अदरवाइज जो क्लस्टर सैंपलिंग है, डेलिबरेट सैंपलिंग है, ये रियलिटी में अलग ही है, इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे आप स्टडी कर सकते हैं। आगे है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। इसमें से हमारा सेकेंडरी डेटा का कौन सा टाइप नहीं है? न्यूज़पेपर, वेबसाइट, ऑब्जर्वेशन, या जर्नल एंड मैगजीन्स। तो अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन हम रियलिटी में हम खुद करते हैं, तो यस
ये हमारा सेकेंडरी मेथड, ये भी सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी। तो ऑब्जर्वेशन हमको इस क्वेश्चन में से सेलेक्ट करना था, हमको ये बताना था सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने का इसमें से हमारा कौन सा मेथड नहीं है, दैट इज ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्टेड एफ्रेश फॉर द पर्पज ऑफ स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कॉल्ड। जब हम पहली पहली बार डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यूड, सिमेट्रिक, प्राइमरी, स्टैटिकल या सेकेंडरी। ये क्वेश्चन आई थिंक अब तक तो आप समझ भी चुके होंगे। यस, जब हम किसी भी स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो पहली बार जब भी हम कोई भी डेटा हम कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। क्या बोलते हैं? प्राइमरी डेटा। आगे है हमारा नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस कंडक्ट सर्वेज ऑन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन किस किस के ऊपर सर्वे करता है? सोशियो इकोनॉमिक ऑफ सब्जेक्ट या एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट या डेमोग्राफिक इश्यू, ये ऑल ऑफ द दीज। यस, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये रियलिटी में सामाजिक आर्थिक जो भी विषय होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर के हैं या इंडस्ट्री से रिलेटेड है या डेमोग्राफी रिलेटेड है, सबका ऊपर हमारा सर्वे हो जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था, जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, और रियलिटी में 1950 में हुआ था। तो इसमें काफ़ी सारी स्टडीज आ जाती हैं, चाहे वो सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन है। इसके अंदर चार डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आपको बता रहा हूँ, SDRD, FOD, DPD और CPD। इसमें चार डिपार्टमेंट बने हुए हैं, सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन, और हमारा सेकंड है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। जो थर्ड डिपार्टमेंट है वो हमारा है डाटा प्रोसेसिंग डिवीजन। फोर्थ है कोऑर्डिनेशन एंड द पब्लिकेशन डिवीजन। शॉर्टकट में इसके नाम है SDRD, FOD, DPD एंड CPD। तो इसके अंदर काफी सारे काम हमारे आ जाते हैं, किसके अंडर में? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चनरी सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट। क्वेश्चनरी सर्वे मेथड हम के थ्रू हम कौन सा डाटा कलेक्ट करते हैं? टेरिटरी डाटा, सेकेंडरी, प्राइमरी या नन ऑफ द दीज। ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताई थी। यस, इसकी हेल्प से हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं। अदरवाइज स्टैट की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो जाएगा। व्हाई? रिपोर्ट दैट एक्यूमुलेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड द सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ आउटसाइडर एज वेल एज इज कॉल्ड। वह प्रतिवेदन, वह रिपोर्ट जो संपूर्ण संगठन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करता है जिसमें बाहरी लोगों की इंटरेस्ट भी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेफिनेटली हमारी ये एंटरप्राइज रिपोर्ट होती है। एंटरप्राइज रिपोर्ट ही होती है जिसमें हमारी इंटरप्राइज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, जिसमें हमारे बाहर के लोगों को भी इसमें इंटरेस्ट होता है। डेफिनेटली इट्स द कॉल्ड द एंटरप्राइज रिपोर्ट। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट दैट एक्यूमुलेट्स, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इन द कैटेगरीज रूरल एंड द अर्बन। जब हम रूरल और अर्बन के बेस पर किसी कॉलेज की स्टूडेंट को क्लासीफाई करते हैं, वो क्लासिफिकेशन कौन सी कहलाती है? दैट इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। हम क्वालिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा आंसर ए है। जैसे हम मेल, फीमेल, पढ़े लिखे, अनपढ़, शहरी, ग्रामीण, धनी, निर्धन, ये क्वालिटी के बेसिस पर हमारी क्वालिफिकेशन, क्वालिटेटिव बेसिस पर हमारी क्वालिफिकेशन होती है, क्लासिफिकेशन, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में भी आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे हो सकता है? ज्योग्राफिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटी या ऑल ऑफ द अबव, कैसे हो सकता है? आपको क्या लगता है? सारे बेसिस पे ये हो सकता है ना? टाइम के बेसिस पर, मेल, फीमेल, भौगोलिक, टाइम के अकॉर्डिंग, क्वालिटी, क्वालिटी में भी हमारी जर्नल या मल्टीपल क्वालिटी, क्वांटिटी, सब बेसिस पे हो सकता है। नेक्स्ट वन इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ए न्यू ऑर्डर इज कॉल। जब हम किसी अरेंज किए हुए डाटा को जब हम अगले नए ऑर्डर में फिर से रेडी करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डाटा। ये क्वेश्चन को पता होना चाहिए। ठीक है, जब हम किसी डेटा को पहले से कलेक्ट कर चुके थे, ऑर्डर में लगा चुके थे, फिर से हम उस डेटा को फिर से हम सही सेटअप कर रहे हैं, हेर फेर करके, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन ऑफ डेटा। ये एक प्रोसेस है,
ये हम अपने काम को थोड़ा इजी बनाने के लिए हम अपने डेटा को अपने तरीके से फिर से अरेंज करने में लगे रहते हैं, तो दैट इज मैनिपुलेशन ऑफ डेटा।